आज हम आपको सिखाएंगे एक्स्ट्रा पीसेस में से शर्ट या फ्रॉक कटिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमने ईद पे काम किया, लोगों का जबरदस्त काम किया जनाब। और ये हमारे पास जो है किसी के हमने सी थी शर्ट वगैरह सी थी हमने, और कपड़े तैयार किए थे, तो उनमें से उनके बच गए हैं पीस। तो वो अब कहते हैं जी हमें पीसेस में से छोटी बच्ची की कोई फ्रॉक बना दें अगर इनमें से बनती है। तो आज मैं आपको जो बताऊंगी फ्रॉक, वो पीसेस में से हम बची हुई फ्रॉक बताएंगे। ये देखें हमारे पास बच्चे कपड़े हैं, ये पीसेस हैं हमारे पास, तो इनमें से हम तकरीबन 6 से 7 साल तक की बच्ची का नाप देखते हैं, इसमें से बनता है या नहीं बनता, तो हम इसमें से आपको फ्रॉक बनाना बताएंगे जी। अच्छा जी, कुल हमारे पास फ्रॉक जो है वो है, हमारे पास लंबाई है इसकी जनाब 27 से 28 हम करेंगे, या 27 आ गए तो 27 भी तैयार कर देंगे, 28 इंच आ गए तो हम 28 इंच भी फ्रॉक तैयार कर देंगे। बाजू है जी हमारे 13 इंच, तीरा हमारा 12 है, और चेस्ट है हमारी 14, कमर हमारी 13, और जो घेर आएगा नीचे से वो हम अलग से कलियों में जो बनाएंगे वो अलग से। ये मैं बताऊंगी छोटी बच्ची का, 6 से 7 साल की बच्ची का कलियों में फ्रॉक बताऊंगी आपको कटिंग करना, ठीक है जी। हमारे पास जितनी भी कलियां इसमें से बन गई हम बना लेंगे, ठीक है जी। ये है हमारे पास सारे के सारे पीसेस, हम इनको रखने लगे हैं इधर। तो ये देखेंगे हमारे पास जो हमारे पास कपड़े बचे हुए थे, ये सारे के सारे वो घर से उठा के ले आएंगे, और भी इसके साथ ऐड करके ले आएंगे वो। तो हमने ये सारे के सारे पीसेस आपके सामने रखे हुए हैं, और ये है हमारे पास नाप स्केल। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि छोटे बच्चों की जितनी भी ड्राफ्टिंग होती है वो आप स्केल के जरिए भी कर सकते हैं और इंची टेप के जरिए भी कर सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास साइड पीस कटा हुआ है शर्ट का, ये देखें साइड पीस कटा हुआ है शर्ट का, ये देखें कंधा शंधा कटा हुआ था, ये हम बना रहे हैं इसकी, हम बॉडी बनाने लगे हैं जी। 4 पीस में हमने ये देखेंगे रख ली है अपनी ये पीस, और इसके साथ हमने ये 4 पीस में जो अलग से एक कपड़ा लेकर आई थी वो हम इसके ऊपर रख रहे हैं, और हम बनाएंगे हम इसकी बॉडी, ठीक है जी। ऊपर फ्रॉक की जो बॉडी होती है वो हम बनाएंगे इस पर, ठीक है जी। और हम इसकी बॉडी निकालेंगे, तकरीबन देखते हैं जी ये कितना आ रहा है तो कितना नहीं आ रहा। ये आ गई जी हमारे पास, ये है हमारे पास जी 10 इंच का हमारे पास कपड़ा है, ये देखें, और तैयार तकरीबन ये 9 आ जाएगी, 9 या 8.5 तैयार आएगी दबाव होने के बाद कपड़े में। तो आप देखते हैं कितना इसका, ये 27 इंच बनती है कि नहीं बनती, 27 से 28 इंच बनती है या नहीं बनती। अच्छा जी, पीछे लगाएंगे हम इसके जिप, और जिप के लिए कपड़ा हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। ये मैंने प्रेस से फोल्ड किया, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जी प्रेस से फोल्ड हो जाते हैं, ये देखें प्रेस से फोल्ड हुआ है, तो हम इसके साथ का रख देंगे ये स्केप, ताकि ये इसकी जो फोल्डिंग है वो सीधी रहे। तीरा है जी हमारे 12, तो 6 और 6 12 और 6.5 पे हमने इसका तीरा ले लिया, ये देखें, ठीक है जी। ये हम लगाएंगे निशान, कंधा भी तकरीबन इतना ही होगा 6 इंच, नमा 12 जिस वक्त हम इसका गिराएंगे तो ये आ जाएगा इसके ऊपर 6.5, ठीक है जी। 6 इंच हमने तीरा ले लिया, 6 इंच हमने ले लिया कंधा, ठीक है जी। अब इनके जब आ रही है जी 14 इंच चेस्ट, तो ये देखें 7 और 7 14 होते हैं, 2 पॉइंट हम बढ़ाएंगे सिर्फ बाजू लगाने के लिए, बल्कि ये रेशमी कपड़ा है तो हम लेंगे इसका 7.5, 7 और 7 14 2 पॉइंट इसमें बाजू में दबाव में आएंगे तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हमारे आ जाएंगे लूज़ होकर, ज़रा सी 2 पॉइंट में लूज़ होकर आए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बच्चियों की फ्राकें थोड़ी सी अगर उनको कोई ऐसी महसूस भी हुई तो वो उसको अपने लेवल पर कर सकती है। आगे आगे जी हमारे पास कमर 13 है, 6 और 6 12 और 1 13, तो हम क्या करेंगे तो 2 पॉइंट हम इसके बढ़ाएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट बढ़ाएंगे, जैसे हमने चेस्ट में इसके 2 पॉइंट लूज रखेंगे हम फ्रॉक को, ताकि उनको पहनने में आसानी हो। और अगर रेशमी कपड़ा है आपको पता है कॉटन लो तो खींच के भी जिस्म पे चढ़ जाती है, लेकिन ये है कि इसको हमने 2 पॉइंट लूज रखेंगे रेशमी कपड़े को, ठीक है। ये हमने किया कंधा गोल आपके सामने, ये देखें मैंने कितने खूबसूरत तरीके से कंधा गोल किया। छोटे बच्चों के गले हम बनाएंगे जनाब 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे, ये 2.5 इंच हमने चौड़ाई ले ली, 1/2 इंच कंधा आप गिरा सकती हैं, 1/2 इंच, ठीक है जी। ये देखिए मैंने 1/2 इंच पे पॉइंट लगाया, ये देखिए 1/2 इंच पे पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे जी, ये हमने इसके साथ मिला लिया। अब आपके सामने आपको नजर आ गया होगा कि मैंने इसकी ड्राफ्टिंग किस तरह की है जी, ठीक है। हमारे पास पीस आ रहे हैं, ये देखें हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो हमारे पास चेस्ट में भी पीस आ रहे हैं। बचे हुए कपड़ों में से बनाना बहुत मुश्किल होता है, ये पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी बचे हुए पीस होते हैं ना उनमें से बच्चियों के कपड़े काटने या बॉयज़ कपड़े काटने बहुत मुश्किल होते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के कॉन्फिडेंस से जो है ये काटने पड़ते हैं जी, ठीक है। ये हमने कटिंग करके हटा दिए, ठीक है जी आपके सामने। अब जो हमारे पास ये कंधा है ये हम काटेंगे, ये हमने कटिंग करके हटा दिए, ठीक है जी।
ये आपको नज़र आ गया होंगे। एक्स्ट्रा हम रखेंगे जितना थोड़ा सा हमारे पास बचा हुआ कपड़ा इसके अंदर है, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा आपके सामने ये देखे कि मैंने रख लिया, जॉर्जेट के भी हैं और ये भी पीस है। ठीक है जी, अब आपको नज़र आ गए होंगे कि ये बॉडी मैंने कितने प्यार से और कितने तरीके से इसको काटा है। बचे हुए पीसेज में से हमने ये फ्रॉक तैयार करनी है कस्टमर की, क्योंकि वो अपने शर्ट पीस के लिए कपड़ा ले आई थी तो उसमें से बच गया कपड़ा। आपको पता है जॉर्जेट में वो कुछ खवातीन होती हैं वो ज़्यादा ले लेती हैं तो उसके अंदर से कपड़ा बच जाता है, तो ये हमने लगा लिया इसकी फिटिंग के कुटके। ये हमारे पास चीज़ जो है कट चुकी है, अब हम करेंगे इसके अलग अलग पीस। ठीक है, इसको भी हम करेंगे ओपन यहाँ से, क्योंकि हमने इसको दबा के रखा था आपके सामने, ये हमने कर लिया ओपन। अलग अलग कर देंगे हम पीस। ये आ गया हमारा बैक और ये आ गया है हमारे पास फ्रंट। बस थोड़ा सा सिर्फ ये है ना कि जॉर्जेट ऐसी चीज़ होती है ना कि इसमें लंबाई में या चौड़ाई में खिंचाव नहीं होता, आप इसको आराम से जो है चौड़ाई में भी बॉडी बना सकती हैं, क्योंकि बचे हुए कपड़ों में से चीज़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जैसा भी कपड़ा अवेलेबल हो ना आप बना सकती हैं आराम से। तो हम इस बॉडी को भी अलग करेंगे जी। ये हमने इसके साथ लगा दिया और ये हमारा आ गया जी फ्रंट। ठीक है, ये आ गया हमारा फ्रंट। अब हम इसका गिराएंगे नमक पारा। नमक पारा गिराना मैंने अपने वीडियो में बहुत वीडियो में बताया, हर वीडियो में बताया जी, आप वहां से देख सकते हैं कि मैंने नमक पारा किस तरह गिराया। ठीक है, ये देखिए मैंने इसका नमक पारा गिरा दिया आपके सामने, ये रहा। ठीक है, ये आपके सामने नमक पारा मैंने इसका गिरा दिया। फ्रंट गला हम अभी नहीं काटेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर बनाएंगे थोड़ा सा फैंसी सा गला बनाएंगे, छोटे बच्चों के कपड़े तो आपको पता है ना फैंसी थोड़े से सिले तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो हम इसके ऊपर बनाएंगे चेपी का गला और खूबसूरत सा बनाएंगे डबल गोल गला, क्या पता मैं बना डालूँ इसके ऊपर तो खूबसूरत लगेगा, तो वो देखेंगे हम कि हम किस तरह करते हैं उसको। ठीक है जी, अब हमने गला काटना है इनका बैक, तो हम इनका काटेंगे गला बैक पे। 2 इंच हम चौड़ाई लेंगे जी, फ्रंट गले की हम 2.5 लेंगे, इसकी लेंगे हम 2 और बैक की भी लेंगे हम इसकी 2, यानी कि दोनों बच्चों के जो छोटे गले होते हैं इनको हम काटेंगे 2-2 पे। पीछे लगा देंगे हम जिप ताकि उनको पहनना आसान हो जाए। ये मैंने आपके सामने काट डाला। ठीक है जी, ये हमारे पास फ्रंट और बैक बॉडी कट चुकी है। ठीक है, अब आपको नज़र आ गई होगी। उसके बाद हम काटेंगे जी यहाँ पे कलियाँ। अब हम देखेंगे कि हमारे पास लेस होके कितनी आती हैं ये कलियाँ। हमारे पास 8 इंच की अगर बॉडी है तो ये देखेंगे 8 इंच की बॉडी तो होता है हमारे पास 27 है, तो 8 इंच की 8 हम इसके अंदर से आउट करेंगे जी। ठीक है, 17 में से 8 गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है जी, 9 आ गया, 9 और 1 इधर रह गया। ठीक है जी, 19। ठीक है, 19 तो हम इसको निकालेंगे तकरीबन 21 इंच। ठीक है जी, घेर की कलियां हम निकालेंगे तकरीबन इसकी 21 इंच और देखते हैं कि 21 इंच हमारे पास कली आती है कि नहीं आती जी। यह हमारे पास इनका ही कपड़ा बचा हुआ है। आपके गोल्डन कपड़ा जो है ना हमने बहुत सिया है जी, कॉटन लॉन में भी बहुत सिया है और इसमें जॉर्जेट में भी हमने बहुत सिया है जी गोल्डन कपड़ा। यह है हमारे पास कपड़ा जी, हमने इसको डबल में करके रखा है आपके सामने। अब हम इसको नापते हैं कि आया हमारी ये इसमें से फ्रॉक बनती है कि नहीं बनती। ये 21 इंच आ रहा है हमारे पास कि नहीं आ रहा। 20 भी आ जाएगा तो कोई मसला नहीं है, आ जाए, क्योंकि हमारे पास जाहिर बात है ही बचा हुआ पीस। ये देखिए जी हमारे पास 21.5 आ रहा है। ठीक है जी, तो ज़बरदस्त तरीके से आ गया जनाब हमारा 21.5 इंच। तो अब हम काटेंगे इसकी कलियाँ। कलियाँ देखेंगे जी, अब कलियाँ हमारी कितनी बनती है। यहाँ से हम इसको 2 इंच आउट कर देंगे क्योंकि हमने इसको तिरछा करना है। ठीक है जी, ये तिरछा कर लिया हमने, ये कर लिया हमने तिरछा। ठीक है जी, और ये हम 2 इंच पे निशान लगा रहे हैं जी कली काटने के लिए। और कलियों वाला फ्रॉक जो है मैंने पहले अपने चैनल पे 2 कटवाए हुए हैं, 2 हैं माशाल्लाह, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कोई यानी कि कलियां काटने में छोटी बड़ी कलियां काटने में प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो पे जाके उनको बहुत आराम से आप देख सकती हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमने कितनी करनी है और कितनी नहीं करनी। यहाँ हम लेंगे जनाब 9 इंच हमने ले ली। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे जनाब 2 इंच की कली लेंगे।
1.5 इंच हमारी तैयार आ जाएगी। ये समझाया नहीं करेंगे क्योंकि पीसेस में से एक तो चीज़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से अगर हम पीस को ज़ाया करना शुरू कर दें तो फिर कुछ जो कुछ बन रहा होता है तो वो भी नहीं बनता। ठीक है जी, निशान लगाते चले जाएंगे हम। ये लगा लिया हमने, अब हम लेंगे यहाँ से 2 इंच। कली हमेशा अपोजिट में कटती है, ये हमेशा याद रखिएगा, एक रुख में आप कली नहीं काट सकते। जिससे हमने यहाँ से 9 लिया है, हम यहाँ से भी 9 लेंगे जी। ये देखे 9 इंच पॉइंट पे मैंने रखा है और ये लगाया निशान आपके सामने मैंने। अब मैं इस निशान को इससे मिलाऊंगी, हमारी जितनी भी कलियां बन गई, क्योंकि हमने स्पेशल कपड़ा तो खरीदा नहीं है, जिनका है जी वो तो खरीद के जिसका लाइन थी तो उनमें से हमने कपड़ा उनको बना दिए थे, बाकी जो बच गया तो बस उसमें से हमने इनको कर देते हैं। छोटे बच्चों के कपड़े मुश्किल होते हैं बनाने, ये मैं आपको पहले बता दूं, छोटे बच्चों के कपड़े सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं बनाने, और ख़ासकर बचे पीसेस में से। बचे पीसेस में से एक्स्ट्रा पीस मैंने कटिंग करके आपके सामने निकाल दिया। निकालने के बाद अब मैं काटूंगी आपके सामने ये कलियां, ये आपको नज़र आ रही होंगी। कैंची को खड़ा करके यूज़ करें ताकि आराम से आप जो ये नोक होती है कैंची की, ये आराम से कपड़े के नीचे से निकल के आराम से जाए। ये हमने 2 कलियां आउट कर दी आपके सामने, ये देख लें। ठीक है जी, और इसी तरह अब हम ये 2 कलियां काटेंगे। ये हमने काट ली 2 कलियां। इसी तरह हम कलियां इसकी सारी की सारी ये वाली काटते चले जाएंगे जी। ठीक है जी, जितनी कलियां भी बनी हमारे पास हम उसको देखते जाएंगे। ये 2 कलियां और ये 2 कलियां हमारे पास, 4 कलियां हमारे पास हो चुकी हैं जी। ठीक है जी, ये हमारे पास कलियां कंप्लीट होने वाली हैं जनाब। हम काट रहे हैं कलियां और इस कपड़े में से तकरीबन हमारे पास कलियां जो बनी हैं बेबी फ्रॉक के लिए वो बनी है जी 14 कलियां। ठीक है जी, ये देखें 14 कलियां मैं बताती हूँ अभी आपको। ये देखें 2 और ये 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 13 14 दो साइडों पे हम डाल देंगे जनाब, ये थोड़ी सी 14 कलियां हमारी बन जाएंगी। ठीक है जी, ये किनारा झाड़ने के बाद हम इसको, ये थोड़ी सी चौड़ाई में नीचे वाली साइड से कम आई है, लेकिन ये कि साइडों पे हम डाल देंगे तो ये जो कमी है वो हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है जी, 14 14 कलियां यानी कि 7 कलियां जो है फ्रंट में आएंगी और 7 बैक में आएंगी। ये इसको हमने थोड़ा सा ऊपर से चौड़े में काटा है, अगर हमारे को बॉडी में कमी पेशी हो तो हम इसको थोड़ा सा चौड़े में काट लिया, अगर कमी पेशी हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो हम इसको झाड़ देंगे जी। ठीक है जी, अब नज़र आ गया होगा आपको, ये मैंने देखे 14 कलियां काटी हैं अभी आपके सामने और ये मैंने काटी है बॉडी का फ्रंट बैक। ठीक है जी, ये हमारे पास फ्रॉक जो है इस टाइम पे कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम देखते हैं कि बाजू के लिए हमारे पास कोई पीसीस हैं या नहीं, अगर नहीं भी हुए तो छोटे बच्चों के जो फ्रॉक होते हैं उनमें आप हल्की फुल्की जो है फ्रिल भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो करेंगी कि लंबे बाजू भी बनाने हैं बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों में चल जाते हैं, बच्चों में थोड़े से फ्रॉक में आप थोड़ा सा अगर घेर में भी वो फ्रिल बना के भी लगाएंगे ना तो तब भी इंसान का गुजारा हो जाता है। ये है जी हमारे पास कपड़ा, तो हम इसको बना के लगा देंगे थोड़ी सी फ्रिलें, तो पीको करवा लेंगे, पीको करवा के हम इसके बना देंगे आगे से फ्रिल। और ये है हमारे पास इसका कंधा, ये हमारे पास कंधा, हम यहाँ पर भी इसके डालेंगे थोड़ी सी चिन्हट और यहाँ आगे से हम पीको करवा के इसको फ्रिल ओपन करके लगा देंगे तो ये खूबसूरत लगेंगे फ्रॉक। ठीक है जी, फ्रॉकों में ये चीज़ खूबसूरत लगती है, तो इसी तरह के हम जो है इसके फ्रॉकें बनाएंगे। मैं इसको फिटिंग पे नहीं काटूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये मैंने कंधा काट लिया आपके सामने। अगर यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जैसे कि हम फ्रॉक सियेंगे, यहाँ पे हमारे पास कंधे के ऊपर चनट भी आई तो हम इसको बारीक बारीक चनट डालेंगे जी, और आगे से हम इसको करवाएंगे पीको, पीको करवा के हम इसके फ्रिल बना के इनके साथ अटैच कर देंगे, तो बहुत ही खूबसूरत बनेगी जनाब फ्रॉक। और आपके नॉलेज में ये चीज़ आ गई होगी, क्योंकि जाहिर बात है कि पीसेज में से कपड़ा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी देखेंगे मैंने आपको कितने कॉन्फिडेंस है और कितने तरीके से मैंने आपको 6 से 7 साल की बच्ची का कलियों वाला फ्रॉक अभी कटवाया है आपके सामने। और आप अपने घर में पीसेस बिल्कुल ना जाया किया करें, बिल्कुल भी लॉन पीस में हो चाहे किसी पीस में भी हो, आप लॉन पीस में जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं उनके पीसेस में जो साइड पीस निकलते हैं, मोटी औरत के तो नहीं निकलते, लेकिन यह है कि पतली औरत जो स्मार्ट औरतें होती हैं उनके तो निकल आते हैं। अगर उनके घर में बच्चे हो तो वो आप आराम से जो है, एक एक घर में 6 6 7 7 खवातीन भी होती हैं तो उनके कपड़ों में से अगर कलिया शनिया साइडों में से कपड़ा स्मार्ट लेडीज़ का अगर बच्चे तो उनको आप ज्वाइन करके अपने बच्चों के लिए छोटी सी फ्रॉकें बना सकती हैं। कॉन्फिडेंस से एक इंसान में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, फ्रॉक भी बन जाती है और कपड़ा भी ज़ाया नहीं होता जी। ठीक है जी, और इंसान का एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है कि हमने ये चीज़ सी है, बहुत ही खुशी होती है जी।
तो आपको मेरी ये फ्रॉक कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने बहुत प्यार से कटवाई है और बहुत ही कॉन्फिडेंस से कटवाई है। तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल पर जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो जरूर वॉच किया करें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत सारे प्यार और ढेर सारे दुआओं के साथ टीचर बाजी ब्रो की तरफ से अल्लाह हाफिज़।